एक जनवरी पर कई लोग भगवान के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। अपने पूरे परिवार के साथ प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर जीवन की मंगल कामना करते हैं। भागलपुर के चंपानगर में एक ऐसा ही मंदिर है जहां नए साल के मौके पर भारी मात्रा में भीड़ लगती है। श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र में इस नव वर्ष पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। यहां मौजूद भगवान वासु पूज्य की पद्मासन प्रतिमा के समक्ष अष्ट द्रव्य अर्पण कर मंत्र पाठ कर रहे हैं। ये जैन मंदिर काफी ऐतिहासिक है और यहाँ की प्राचीन प्रतिमाएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लोगों का ये कहना है कि इस तीर्थ स्थल पर आकर शांति और सुकून का अनुभव होता है। कोतमा मध्य प्रदेश, जो कि अमरकंटक नर्मदा नगरी के नर्मदा नदी के उद्गम नगरी के ही पास है, हम सभी यहाँ पर आए हुए हैं। यह नगरी है चंपापुर। श्री 1008 श्री वासु पूज्य भगवान की गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान एवं निर्वाण की स्थली है। यहाँ पर पिछले वर्ष मुनि श्री 108 प्रशांत सागर मुनि महाराज की समाधि भी हुई है। हम सभी उसी समाधि के दर्शन करने यहाँ पर आए हुए हैं। 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान का जन्म, तप, ज्ञान, दीक्षा और के मोक्ष कल्याणक है इस भूमि, और हम इस भूमि को दर्शन करने के लिए आए हैं। और हम कोल्हापुर महाराष्ट्र से आए हैं। इस क्षेत्र पर देश विदेश से सब भक्तजन आते हैं और बहुत उत्साह पूर्वक भगवान का दर्शन करते हैं। कर्मों की निर्जरा होती है और सबको यहाँ आना चाहिए इस क्षेत्र पर। इस जगह पर चतुर्थ काल में भगवान वासु पूज्य का निर्वाण हो गया था। यहाँ पर हमारे नव वर्ष की शुरुआत के लिए हम लोग आए हैं और हमने समय शिखर जी में श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन किया। उसके पश्चात हमने पंच तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ चंपापुर में पधारे हुए हैं, जिसमें हमारी समस्त पाठशाला परिवार से करीब 12 लोग आए हुए हैं। हम यहाँ पर अपने नववर्ष की मंगल कामना के लिए श्री 1008 वासु पूज भगवान का, जहाँ पर इनके पांचों कल्याणक हुए हैं, उनका हम दर्शन करने आए हैं। और हमारा अनुरोध है कि आप सभी यहाँ पर आएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे मंदिर और बहुत ही अच्छी चौबीसी का निर्माण हुआ है। करीब 25,000 वर्ष पूर्व जो चरण पादुकाएं हैं, 2500 वर्ष पूर्व जो चरण पादुकाएं हैं, उनका आप सभी दर्शन करके लाभान्वित हो। वहीं इस मंदिर के व्यवस्थापक सुनील जैन ने बताया कि नव वर्ष को लेकर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। नए साल को लेकर के जैन सिद्ध क्षेत्र को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और वहां पर रंगोली की जाएगी और भगवान के अभिषेक के लिए स्वर्ण एवं रजत कलश की व्यवस्था की गई है और श्रद्धालुओं ने, जो कि अनेकों राज्य से यहाँ पर आएंगे, उनके लिए पूजन के परिधान जो कि केसरिया रंग के होते हैं वो व्यवस्था की गई है। ठहरने की उत्तम व्यवस्था की गई है। पूजन पाठ, आराधना, भजन, कीर्तन आदि सब बहुत धूमधाम से वो करेंगे। क्या मान्यता है यहाँ? ये पंच कल्याणक स्थली है। ये जैनों का एक बहुत ही बड़ा पवित्र स्थल है और इसका एक विशेष महत्व है। इस मंदिर में पाषाण और धातु की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। ये सिद्ध क्षेत्र करीब 5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसका मुख्य द्वार जयपुर के हवा महल के तर्ज पर बनाया गया है। भागलपुर से TV9 के लिए शिवम की रिपोर्ट।